सो हे गाइस यार, स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 1.6 का अपडेट कब आने वाला है। आज ही आने वाला है, आपको पता है, और किस टाइम को आने वाला है ये मैं बताऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपडेट कर लेते हो तो उसके बाद में हो सकता है कि आपकी आईडी बैन हो जाए। क्यों हो जाएगी, इसी के पीछे का मैं आपको राज बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिकमेंड के अंदर और उसके बाद में नोटिस के अंदर। और यहां पे आप देख सकते हो दो नोटिस आ रखे हैं। तो नोटिस पे मैं सिंपली टैप कर देता हूं। जैसे ही मैं नोटिस पे टैप करता हूं तो इसको मैं एक बार वर्टिकल कर लेता हूं, और उसके बाद में यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हम न्यूज़ अंदर जाएंगे, और उसके बाद में आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर 1.6 अपडेट शेड्यूल आ रहा है। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो अपडेट वर्जन देख सकते हो गाइस। अगर आपके पास में एंड्रॉइड है तो आपको यार आज ही के दिन मिल जाएगा अपडेट, लगभग 2:30 के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास। अगर आपके पास में 3 बजे तक नहीं आता है तो वो कुछ एंड्रॉइड वगैरह पे निर्भर होता है। तो हो सकता है आपका 3 घंटे 3 बजे के मतलब 3:30 बजे आ जाए, वरना या हो सकता है कि 2:30 बजे आपको देखने को मिल जाए। तो इस टाइप का कुछ होगा। अब मान लीजिए आपके पास में iOS है, एप्पल है, तो आपको यार ये कल देखने को मिलेगा 1.6 का अपडेट। अगर आपके पास में एप्पल है और कल आपको 11 बजे को आसपास देखने को मिलेगा। अगर एप्पल है तो उसका यार यही नुकसान है कि आपको कल देखने को मिलेगा, और एंड्रॉइड है तो आज ही आपके पास में अपडेट आ जाएगा। तो ये अपडेट वाली चीज़ तो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी। मैं कोई भी चीज़ आपको आराम से नहीं बता रहा हूँ, वरना यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप चलते हैं यार यहाँ से बैक, और उसके बाद में मैं बताता हूँ कि अगर आप अपडेट कर लेते हो तो क्यों आपका आईडी बैन हो सकता है। तो यहाँ पे हम नीचे आ गए, और यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो नोटिस। तो जैसे ही मैं नोटिस पर टैप करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख रखी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो वार्निंग मैसेज पॉपअप हो रहा है। यहाँ पे लिख रखा है इफ द इंस्टॉल्ड ऐप इज डाउनलोडेड फ्रॉम एन अनऑफिशियल चैनल। मतलब कि अगर आप यार मान लीजिए 1.6 का अपडेट आ गया और आप लोगों ने क्या किया, प्ले स्टोर से न डाउनलोड करते हुए किसी भी यूट्यूबर के डिस्क्रिप्शन लिंक से कर लिया, या फिर जैसे कोई कोई बताते हैं ना डायरेक्ट एपी के लिंक दे देते हैं कि मेरे यहाँ से कर लो, टेलीग्राम से कर लो, वगैरह वगैरह से कर लो, अगर आप वहाँ से कर लेते हो तो हो सकता है कि वो अनऑफिशियल ऐप हो और आपकी आईडी परमानेंटली बैन हो जाएगी। और इससे यार आपको नुकसान ही होगा, और परमानेंट बैन हो गए तो वापस आपकी आईडी आएगी नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर आए तभी करना। ऐसा ना हो कि 2:30 बजे आपका नहीं आया, आपके दोस्त के आ गया तो आपने क्या किया कि अपने दोस्त से एपी के ले ली। तो ऐसा भी मत करना। जब तक आपके गूगल प्ले के अंदर नहीं आता अपडेट तब तक आप अपडेट मत करना, वरना आपकी आईडी हो सकती है बैन हो जाए। उसके बाद में यार नीचे बहुत सारी यार चीज़ें लिख रखी है, आप देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो यार पढ़ लेना। अब मान लीजिए कुछ कोई लोग ऐसे भी होते हैं यार कि जिनका है, जिन्होंने कुछ भी हैक यूज़ नहीं किया फिर भी यार उनकी आईडी बैन होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यार आपको यार यहाँ पे देख सकते हो यार लॉगिन के पास में रिपेयर का ऑप्शन आता है, उस पर टैप करना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिपेयर वो ऊपर वाला एक टिक कर देना है और ओके पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इतना कर लेते हो और वापस अपनी आईडी ऑन करते हो तो आपकी आईडी वापस से चलने लग जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं अगर आपने कोई भी हैक यूज़ नहीं कर रखा है। और एक चीज़ और गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप यार कोई भी GFX टूल लगा के खेलते हो तो वो भी बंद कर दो, वो भी यार हैकिंग के अंदर ही आता है और उसी से भी यार इनलीगल चीजें होती है, तो वो भी आपका अकाउंट बैन करवाने में बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। तो ये सभी चीजें थी जो कि गाइस आज की वीडियो मैंने आपको कवर की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।